दोस्तों आज हम प्यारे से एक शार्क की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है लेनी। लेनी को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है और वो दिल का मासूम भी है। मछलियों को खाना नहीं बल्कि उनके साथ दोस्ती करना पसंद करता है। उसके इसी बिहेवियर के वजह से उसके फैमिली वाले उससे परेशान हैं। उसका बड़ा वाइफ फ्रेंकी हमेशा लेनी को शार्क की तरह बिहेव करना सिखाता है, लेकिन लेनी ने आज तक किसी भी मछली को नहीं खाया। वेल, मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए एक चारा को नीचे डालते हैं जो पानी में होने की वजह से उस कीड़े का दम घुट रहा होता है। तभी वहाँ पर लेनी आ जाता है, लेकिन लेनी उसे ना खाकर उसे आजाद कर देता है और उसे जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर फ्रेंकी आता है, उसे कहता है कि शार्क ऐसा नहीं करते, शार्क तो किसी को भी देखकर तुरंत खा लेते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। दूसरी तरफ हम छोटी मछलियों का एक कबीला देखते हैं। इस कबीले की मछलियों को हमेशा शार्क का डर बना रहता है। इसी कबीले में ऑस्कर नाम का एक साधारण सा मछली भी रहता है। ऑस्कर हमेशा से ही ऊंचे कबीले में रहने का सपना देखता आ रहा है। उसे दौलत और शोहरत से बहुत ही प्यार था। ऑस्कर वेल वॉश कंपनी में काम करता है जहाँ पर ऑस्कर की बेस्ट फ्रेंड एंजी भी काम करती है, और हमें ये भी पता चलता है कि एंजी ऑस्कर को पसंद करती है, लेकिन आज तक वो ये बात उससे नहीं कह सकी। आगे डॉन लिनो को दिखाया जाता है जो कि फ्रेंकी और लेनी के डैड होते हैं। उनसे मिलने स्काइक आया हुआ था जो कि वेल वॉशर के ओनर होते हैं। स्काइक डॉन लिनो के अंडर में काम किया करता था और वो डॉन लिनो के जरिए बाकी मछलियों से हफ्ता वसूल किया करते थे। डॉन लिनो उसे बताता है कि आज से उसका मालिक फ्रेंकी और लेनी होंगे। ये सुनकर स्काइक को हंसी आ जाती है क्योंकि फ्रेंकी तो खूंखार होता है लेकिन लेनी बिल्कुल नहीं होता। देख कर डॉन लिनो को उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने दोनों ही बेटे से बहुत ही प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके आगे का बिजनेस उसके दोनों बेटे ही संभाले। इसलिए वो स्काइक को नौकरी से निकाल देता है। उसे कहता है कि आज से उसे भी उसको हफ्ता देना होगा ताकि उसका वेल वॉश कंपनी सेफ रह सके। नौकरी से निकाल देने के कारण स्काइक बहुत ही टेंशन में आ जाता है और उसे याद आता है कि ऑस्कर के ऊपर $5,000 का उधारी है। इसलिए वो अपने दोनों असिस्टेंट अर्नी और बर्नी को ऑस्कर को लाने के लिए भेजते हैं। ऑस्कर हमेशा की तरह अपना काम कर रहा होता है। तभी अर्नी और बर्नी उसे पकड़कर स्काइक के पास ले आते हैं। स्काइक ऑस्कर से अपने पैसे मांगता है, उसे वो पेपर भी दिखाता है जब उसने उधारी ली थी, लेकिन इस वक्त ऑस्कर के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और इसीलिए वो स्काइक से थोड़ी मोहलत मांगता है। स्काइक ऑस्कर पर तरस खाकर उसे 24 घंटे की मोहलत दे देते हैं। अगर वो 24 घंटों में पैसों को नहीं लौटा पाया तो साइक उसे मरवा देगा। कल रात को ऑस्कर एंजी के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। वो एंजी को बताता है कि वो हमेशा से ऊंचे कबीले में रहना चाहता है जिसके लिए उसने उधारी ली, लेकिन उधारी लेने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। दरअसल ऑस्कर के पिता वेल के जीभों को साफ करते थे। वो अपने कामों में बहुत ही एक्सपर्ट थे लेकिन फिर भी मामूली लोगों को कोई भी नहीं जानना चाहता, इसलिए वो हमेशा से ही खास बनना चाहता है। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने अभी तक पैसों की व्यवस्था नहीं की। एंजी ऑस्कर को परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपनी दादी की दी गई एक मोती को ऑस्कर को देती है और इसे बेचकर अपना सारा उधार चुकाने के लिए कहती है। ऑस्कर एंजी से वो मोती लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन एंजी इसके लिए उसे मना लेती है। वेल ऑस्कर अगले दिन उस मोती को बेचकर पैसे ले लेता है। इसे बेचकर उसे पूरे $5,000 मिल गए थे। वो साइक को पैसे लौटाने के लिए हॉर्स कोर्स आ ही रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ मछलियों की बातों से वो रुक जाता है और उसे पता चलता है कि आज का मैच फिक्स है, इसे कोई लक्की नाम का हॉर्स जीतने वाला है। ये सुनकर ऑस्कर लालच में आ जाता है और अपने सारे पैसे को लक्की नाम के हॉर्स पर लगा देता है। ऐसा करते हुए लोरा नाम की एक सुंदर सी मछली देख लेती है और वो सोचती है कि ऑस्कर एक अमीर मछली है जो उसने एक ही बार में इतने सारे पैसे एक हॉर्स पर लगा दिया था, इसलिए वो ऑस्कर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ऑस्कर भी लोरा की खूबसूरती देख कर पिघल जाता है और वो भी उससे बात करने लगता है। तभी उसे ढूंढते हुए साइक वहाँ आ जाता है। लोरा से पता चलता है कि ऑस्कर ने $5,000 एक हॉर्स पर लगाया है, वो बहुत ही अमीर है तो इस तरीके से वो ऑस्कर से बात ना करे। लेकिन साइक यहाँ पर ऑस्कर की पोल्टी खोल देता है और कहता है कि उसने जो पैसे लगाए वो उसके हैं। ये सुनकर लोरा ऑस्कर का पीछा छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। सारे पैसे दाव पे लगाने की वजह से साइक भी ऑस्कर पे बहुत गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी ऑस्कर उसे समझाता है कि आज का मैच फिक्स है जिससे उनको डबल पैसा मिलेगा, इसके बाद वो उसके सारे पैसे चुका देगा। ये सुनकर साइक थोड़ा शांत होता है और इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। देखते हैं कि लक्की नंबर का हॉर्स जीतने ही वाला होता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही वो गिर जाता है और सभी उससे आगे चले जाते हैं जिससे ऑस्कर के लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। को इस बार ऑस्कर पे बहुत ही गुस्सा आता है। इस बार साइक अर्नी और वर्नी से कहता है कि वो ऑस्कर को एक अंधेरी जगह में ले जाकर बांध कर आ जाए जहाँ पर शार्क आया करते हैं। दूसरी तरफ डॉन नीलो लेनी को शार्क की तरह बिहेव करना सिखा रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि जब वो कमजोर दिखता है तो वो भी कमजोर दिखता है।
रखते हैं तो उसे शार्क की तरह बनना ही होगा। वो वहाँ से एक झींगा उठाकर लेनी को उसे खाने के लिए कहते हैं। तभी वो झींगा अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, जिसे सुनकर लेनी और भी इमोशनल हो जाता है और सभी झींगा को पकड़ कर वहाँ से आजाद कर देता है। के बाद डोनिलो फ्रेंकी को लेनी को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं और उसे शार्क की तरह बनना सिखाने को कहते हैं। वही समुन्द्र की गहराइयों में अर्नी और बर्नी ऑस्कर को लेकर आ गए थे और वो उसे वहाँ पर एक डोरी से बांध देते हैं। वही अर्नी और बर्नी देखते हैं कि उनकी तरफ दो शार्क आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। कहीं दूर से फ्रेंकी ऑस्कर को देख लेता है और वो लेनी को उसे खाने के लिए कहता है। ऑस्कर लेनी को देखकर काफी डर जाता है, वो भागने की कोशिश करने लगता है। अभी लेनी उसे समझाता है कि वो उसे नहीं खाने वाला और जब वो 1, 2, 3 बोले तो वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये बात ऑस्कर को समझ नहीं आती और लेनी उसे खाने की एक्टिंग करता है, साथ ही उसे आजाद कर देता है। लेकिन 1, 2, 3 के बाद भी ऑस्कर वहाँ से नहीं भागता और वो वहीं खड़ा रह जाता है और दूर से फ्रेंकी ऑस्कर को देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि लेनी इस बार भी नाटक कर रहा है। फ्रेंकी लेनी को मछली कैसे खाते ये सिखा रहा होता है, इसलिए वो ऑस्कर के पीछे पड़ जाता है। ऑस्कर भी अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। इसी दौरान शिप का एक टुकड़ा आकर फ्रेंकी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। एन से ये देखकर काफी दुख होता है और इन सब का जिम्मेदार वो अपने आप को मानने लगता है, इसलिए वो घबरा कर वहाँ से चला जाता है। ऑस्कर भी शार्क से बचकर निकल आता है, जिससे अर्नी और वर्नी को ये लगता है कि ऑस्कर ने उस शार्क को मारा है। कर भी उनकी ये गलतफहमी दूर नहीं करता, उनके सामने ऐसा शो करता है कि उसी ने ही शार्क को मारा है। पहले ये बात अर्नी और बर्नी पूरे कबीले में फैला देते हैं, जिससे सभी को ये लगता है कि ऑस्कर ने शार्क को मारा है और सभी मछलियाँ उसे शार्क नाशक समझने लगते हैं। इससे ऑस्कर रातों ही रात फेमस हो जाता है। इसके लिए ऑस्कर को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है, जहाँ पर ऑस्कर अपनी खूब तारीफ कर रहा था और वह बताता है कि उसने शार्क को कैसे मारा। भी वहाँ पर साइक आता है और कहता है कि वो ऑस्कर का मैनेजर है। साइक ऑस्कर से कहता है कि अगर वो उसका मैनेजर उसे बना लेता है तो वो उसकी सारी उधारी माफ कर देगा। वो दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और पैसों को 50-50 बांट लिया करेंगे, जिसके लिए ऑस्कर भी मान जाता है। धीरे धीरे ऑस्कर को सभी लोग जानने लगते हैं और वो अब एक सुपरस्टार बन चुका था। उसने एक ऊंचे कबीले में एक बड़ा सा घर भी ले लिया था। इधर नील और फ्रेंकी का फ्यूनरल कर रहा होता है और उसके बेटे के मरने की वजह से वो काफी दुखी था। लेनी के लिए भी परेशान था क्योंकि लेनी अब तक घर नहीं लौटा था। वहीं उनमें से एक शार्क उसे बताता है कि टाउन में एक शार्क नाशक आया है और उसी ने फ्रेंकी को मारा है। ये सुनने के बाद लीनो को बहुत ही गुस्सा आता है, अपने मैनेजर लुका को इसके बारे में पता लगाने के लिए भेजते हैं। वहीं एक दिन ऑस्कर अपने घर पर पार्टी रखता है। लोरा भी ऑस्कर की कामयाबी को देखकर उसके पास लौट आई थी और उस पार्टी में एंजी भी आती है। ऑस्कर एंजी को अपना पूरा घर दिखाता है और उससे कहता है कि उसके बगैर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। एंजी के लिए मोतियों से बनी एक नेकलेस लाया था, जिसे देखकर एंजी भी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ लोरा आ जाती है। ऑस्कर को अपनी बातों में फंसाकर वहाँ से उसे ले जाती है, जिससे एंजी को काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटी मछली आकर बताती है कि उनके एरिया में एक शार्क आया है। सुनकर सभी मछलियाँ डर जाते हैं, ऑस्कर को उस शार्क को मारने के लिए कहते हैं। ऑस्कर भी ये सुनकर काफी डर गया था, लेकिन सभी के सामने उसे नाटक करना था। वह हिम्मत जुटाकर बाहर जाता है और बाहर उसे कोई और नहीं बल्कि लेनी मिलता है। लेनी ऑस्कर को उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं लौटना चाहता था। ये भी लगता था कि फ्रेंकी की मौत उसी की वजह से हुई है, लेकिन ऑस्कर उसे अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर छोटे मछली के बच्चों की आवाज आती है और उनकी बातों से लेनी को ये पता चल जाता है कि ऑस्कर शार्क नाशक बनने का ड्रामा कर रहा है। इसलिए वो ऑस्कर को अब ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है कि अगर वो उसे नहीं रखेगा तो वो सबको ये बात बता देगा। इस वजह से मजबूरन ऑस्कर को उसे अपने साथ रखना ही पड़ता है। ऑस्कर लेनी को यहाँ पर रहने के कुछ नियम बताता है और कहता है कि वो यहाँ पर किसी भी मछली को नहीं खा सकता। इस पर लेनी उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन शार्क है। पर ये सुनने के बाद ऑस्कर को हंसी आने लगती है। लेनी और भी उदास हो जाता है क्योंकि वो जैसा है उसके डैड उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ऑस्कर उसे समझाता है और कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अगर वो उस दिन वहाँ पर नहीं होता तो फ्रेंकी भी नहीं मरता। इस पर लेनी कहता है कि वो तो है और अगर ये बात मेरे डैड को पता चलेगा तो वो तुम्हें मरवा देंगे क्योंकि वो इस इलाके के खतरनाक डॉन है। ये सुनने के बाद ऑस्कर के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि फ्रेंकी डॉन लिनो का बेटा था और वो तुरंत साइक के पास जाता है। यहाँ पर साइक पहले से डॉन लिनो से बात कर रहा था और उसे धमकी दे रहा था और वो लिनो से कह रहा था कि आज के बाद वो उसे हफ्ता दे, नहीं तो उसके बारे में वो शार्क नाशक ऑस्कर को बता देगा। ऑस्कर साइक को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले सारा मामला बिगड़ जाता है। डॉन लिनो ऑस्कर को धमकी दे देता है कि जल्दी वो उसे ढूंढ निकालेंगे। ऑस्कर डरते हुए लेनी के पास पहुँचता है, जहाँ
यहाँ पर एंजी भी आ चुकी थी और एंजी को लेनी ने सब बता दिया था। एंजी ऑस्कर पर बहुत ही गुस्सा करती है, कहती है कि अमीर बनने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। ऑस्कर को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ऑस्कर को भी ये लग रहा था इस झूठ की वजह से वो बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वो एंजी से माफी मांगता है और लास्ट बार लेनी और एंजी को उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि डॉन लिनो ने उसे धमकी दी थी और इस वजह से तीनों प्लानिंग करने लगते हैं। वो कबीले के सामने एक ड्रामा करते हैं जिसमें ऑस्कर शार्क को मार रहा होता है और लेनी भी ऑस्कर से डरने का नाटक करता है और फाइट के एंड में वो मरने का नाटक करता है जिसे टीवी में भी दिखाया जा रहा था, जिसे डॉन लिनो के भेजे गए शार्क भी देख लेते हैं और वो डर के वहीं से भाग जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद वहाँ के सारी मछली ऑस्कर को अपना हीरो मानने लगते हैं। यही मौका पाकर लोरा भी वहाँ आती है और वो ऑस्कर को किस करती है, जिससे सभी को यही लगता है कि ऑस्कर और लोरा एक साथ हैं। एंजी भी ये सब देख लेती है और उसे काफी बुरा लगता है, उदास होकर लेनी के पास आ जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद ऑस्कर भी आता है। इस बार एंजी ऑस्कर पर बहुत ही गुस्सा करती है। एंजी उससे कहती है कि तुम कब तक झूठे नाम पर जियोगे और वो लोरा तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि तुम एक स्टार बन चुके हो। ऑस्कर कहता है कि वो अगर साधारण मछली होता तो कोई भी उसे नहीं पसंद करता। एंजी उससे कहती है कि जब वो कुछ भी नहीं था वो तब से उसे पसंद करती है, अमीर बनने के चक्कर में उसने कभी ये देखा ही नहीं और वो अब धोखेबाज और फरे भी बन चुका है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम्हें वैसे भी पुरानी जिंदगी से नफरत थी और मुझसे भी। एंजी की इस बात से ऑस्कर को एहसास होता है कि एंजी उसे कितना प्यार करती है और आज तक वो उसे समझ ही नहीं पाया। ऑस्कर शर्मिंदा होकर अपने घर लौट आता है जहाँ पर फिर से लोरा उसके पास आती है, लेकिन इस बार ऑस्कर उससे कह देता है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते और वो उससे प्यार भी नहीं करता। वेल इसके बाद ऑस्कर गिफ्ट लेकर एंजी को मनाने पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि एंजी को डॉन ने किडनैप करवा लिया है। वो एंजी को तभी छोड़ेंगे जब वो उनसे मिलने जाएगा। इसके बाद ऑस्कर साइको लेनी को लेकर डॉन से मिलने जाता है जहाँ पर लेनी ने डॉल्फिन का गेटअप कर रखा था। ऑस्कर बाकी शार्क के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी से नहीं डरता। तभी वहाँ पर डॉन लिनो भी आते हैं और हम देखते कि यहाँ पर लोरा भी है और उसने शार्क को एंजी के बारे में बताया था, पर एंजी को उन्होंने प्लेट में बांध रखा था, जिसे देखकर लेनी वहाँ तुरंत आता है और एंजी को मुंह में दबाकर दूसरी साइड आ जाता है। लेकिन वेजिटेरियन होने की वजह से वो एंजी को ज्यादा देर तक मुंह में नहीं रख पाता। कि इस बिहेवियर से लिनो समझ जाता है कि वो लेनी है। लेनी के पास आकर उसे हग करते हैं और कहते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, इसने ही तुम्हारे भाई को मारा था। अब डॉन लिनो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके वजह से उसका बेटा भी मरा, उसने उसके दूसरे बेटे को डॉल्फिन बना दिया। अब वो ऑस्कर को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं जहाँ पर लेनी भी ऑस्कर की भागने में मदद करता है। ऑस्कर भागते हुए वेल वॉश कंपनी में आता है और वो किसी तरह डॉन लिनो से बचते हुए उसे मशीन में फंसा देता है, जिसे देखकर वहाँ पर सारी मछलियाँ फिर से ऑस्कर के लिए ताली बजाने लगते हैं। लेकिन इस बार ऑस्कर को झूठी तारीफें नहीं चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पर सबको सच बता देता है और वो डॉन लिनो को भी बताता है कि उसकी वजह से फ्रैंकी नहीं मरा, वो तो एक एक्सीडेंट था। उसे अपने बेटे लेनी को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि बदलने के चक्कर में उसने काफी झूठ बोले जिससे उसके पास जो भी था उसने खो दिया। डॉन लिनो को भी ऑस्कर की बात समझ आती है और वो अपने बेटे लेनी को गले से लगा लेता है। ये भी ऐलान कर देता है कि यहाँ की मछलियों को वो कभी भी तंग नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर एंजी भी आ जाती है और ऑस्कर एंजी से माफी मांगता है, साथ ही वो एंजी को प्रपोज भी कर देता है। ये जानकर एंजी को बहुत ही खुशी होती है। पहले इसके बाद सभी शार्क और मछलियाँ एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। साइक ने ऑस्कर को अपने बिजनेस का मैनेजर बना दिया था क्योंकि उसके वजह से उसका बिजनेस बढ़ गया था। लेनी भी अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आया करता था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म होती है।